अमृतसर विच रंग पंजाब मंच ने पंजाब दे पिंडां दे पुराने माहौल दी याद एक बार फिर ताजा कर दित्ती। रंग पंजाब मंच ते विशेष तौर ते बीजेपी स्पोकपर्सन सहजाद पुणेवाल विशेष तौर ते पुजे। पुणेवाल वालों मीडिया नाल गलबात करदे होए कहा कि पंजाब अपने स्वाद सभ्यता अते संस्कृति ते ना तो जाणिया जांदा है। रंग मंच दे खाने ने अज पुराने पिंडां दी याद ताजा करवा दित्ती। उन्हां कहा रंग पंजाब मंच दे सद्दे ते अज असीं इत्थे आए हां। बीजेपी अते अकाली दल गठबंधन ते उन्हां ने कहा कि मैं अगर मगर दे सवालां ते जवाब देना मुमकिन नहीं समझदा। उन्हां कहा बीजेपी ने हमेशा अकाली दल दे नाल छोटे भरा की भूमिका निभाई है। उन्हां कहा जेकर पंजाब विच किसी पार्टी का तेजी नाल विस्थार हो रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी का है। इस मौके मीडिया नाल गलबात करते हुए रंग पंजाब मंच के आगू किरण ढिल्लू ने कहा कि असीं लोगों नूं अपने पंजाबी विरसे नाल जोड़न लई कोशिश कर रहे हां। अमृतसर विच देशां विदेशां तो लोग आउंदे हन अते उन्हां नूं पंजाबी कल्चर के बारे पता लग सके। उन्हां कहा अमृतसर रेस्टोरेंटा विच हरेक तरह का अमृतसरी खाना मिलता है पर साडा रंग पंजाब मंच पुराने समय की पिंडां दा माहौल की याद नूं ताज़ा करता है जिस विच असीं अपने पुराने कल्चर नाल जोड़न की कोशिश कर रहे हां। मेरा नाम किरण ढिल्लू है जी, मैं रंग पंजाबी ओनर हाँ। चलो सब की कहना चाहोगे जिहड़ा तुहाडे वल्लों अज पंजाबी कल्चर नूं लैके खाना दा जिहड़ा प्रोजेक्ट कीता गया? हाँ जी, देखो अज असीं एक साल कंप्लीट कर लिया रंग पंजाब का। इतने असीं टाउन हॉल चाँ गोल्डन टैंपल के चवान खोले हाँ तो अज असीं एक प्रोपर इवेंट क्रिएट किया है जिहदे जिक एग्जीबिशन की है जी। तो अपने सारे लोकल आर्टिस्ट आ के अपना जिहड़ा हैगा कला इत्थे दिखा रहे हैगे है, सेल कर रहे हैगे है। दूसरा असीं एक इवेंट क्रिएट किया है जिस बड़े स्पैशल गैसट आए हुए हैं जिहदे च असीं पूरा जिहड़ा साडा रेस्टोरेंट दा कल्चर है जिहड़ा पंजाब दा कल्चर है अपने खाने दा वो असीं एक्सपीरियंस करा सकते। मैम लगता कि लोग पंजाबी कल्चर तो दूर होते जा रहे हैं? देखो जी बड़िया चीज़ा चेंज हो चुकी हैं। मॉडर्नाइजेशन दे नाल नाल दोनों चीज़ के अच्छे इफेक्ट भी होंगे बैड भी होंगे। चंगे ये है कि चलो आप डिवेलप हो रहे हैं, माड़े है कि आप जरा अपने रूट्स भुलते जा रहे हैं। मैं आप पंजाब 15 साल बाद आई हैं यही रियलाइज़ करके कि असी अपने रूट भुलते जा रहे हैं। असी आप जो सीखे है देखे है जो कल्चर हैगा वो तो टुटते जा रहे हैं। अपना खाना चेंज हो गया, खाने दी हैबिट्स चेंज हो गई। अज की डेट से पंजाबी खाना भुल गए, अपन रेस्टोरेंट वाला खाना पंजाबी लगन लग गया जिद चंगी क्रीम मसाले तो पता नहीं की कुछ पाया होंगे ना इन्ना हैवी खाना होंगे। अपना पंजाबी खाना कदम इन्ना हैवी होंगे नहीं, आप सिंपल खाना घर बनाने हैं। अजकल के बच्चे जोड़े है वो बाहर जाके पीज़ा बर्गर फास्ट फूड खाने बिलीव करते हैं पर जोड़ा असल जोड़ा है लोकल फूड उन्होंने भुलते जा रहे हैं। सानू बड़ी खुशी होंगी है कि साडा मेन्यू जोड़ा तो असं क्रिएट किया, बच्चे आते हैं बच्चे खा के खुश होंगे उन्होंने चंगा लगता है। साढ़े को बड़े बच्चे आते हैं दिल्ली तो बॉम्बे तो जोड़े आके इतने राजमा चावल खाने कहे सानू नानी के राजमा चावल की याद आ गई। जिन्हें इतने कुर्सी भी देखे कहे साडे जो दादी के घर कुर्सी होंगी सी उदा की कुर्सी है। सो बड़ा चंगा लगता है। मैं लगता कि लोग अच्कल जी पीढ़ी है नौजवानों की पीजीआर ज़्यादा ज़्यादा सब भी हो गया KFC खुल गया उधर बड़े लोग जान लग गए। बिल्कुल जी, अपना वेस्टनाइजेशन के नाल नाल यू नो एक इफेक्ट आ रहा है फास्ट फूड का जो ट्रेंड है बहुत बढ़ता जा रहा है। उस चक्कर दे विच आप फास्ट फूड वाल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा, पीज़ा हो गया बर्गर हो गया कोका कोला हो गया सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई उदा दी चीज़ा। तो इतने असी जिमें शरबत बार भी आप क्रिएट किया अपनी लोकल ड्रिंक शरबत बार है, आप इतने शरबत बार बनाई है जिस असं 15 तरह के लोकल शरबत कर रहे हैं शेक्स कर रहे हैं उस तरह दीज़ा कर रहे हैं। एक यहोजा खाने का मेन्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे भी उन्होंने देख के अट्रैक्ट हो ना सिर्फ कि जेडे अपन जे अपने व्डे है जिन्होंने खाने की समझ है ताकि सिर्फ पीज़ा बर्गर नहीं अपने खाने के भी बड़ा कुछ है बड़ी लजा। मैं लगता कि अमृतसर गुरु नगरी हरिमंदर साहब से लगे इसे करके खोला गया क्योंकि श्रद्धालु बहुत देश विदेश तो इतने पहुँचते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इस तो वधिया जगह नहीं हो सकती सी जिथे तुसी एक जगह बना सको जिहड़ी कि एक दुनिया के लिए पंजाबी कल्चर का शोकेस बन सके। ये बिल्डिंग हैरीटेज बिल्डिंग है, इतने असी पूरा लुक एंड फीलो क्रिएट कर सकते सी। इन्ने अपने लोग आते हैं बाहर तो उन्होंने एक जगह है जिथे उन्होंने असली पंजाबी खाना पता लगेगा होंगे। देखिए पंजाब अपने स्वाद सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है और जब पंजाब में अमृतसर में आप आते हैं तो अमृतसर में हमने संस्कृति का अनुभव जो है
वो तो स्वर्ण मंदिर में ले लिया, हमने सभ्यता तो पूरे अमृतसर में दिखाई दे ही रही है, और जब स्वाद की बात आती है तो रंग पंजाब के लोगों ने हमें यहाँ पर न्योता दिया। और यहाँ पर आकर जो पिंडों में खाना मिलता है, जो बहुत ही हमारे गांव का खाना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति पंजाबी संस्कृति का खाना है, वो खाकर बड़ा दिल खुश हुआ। केवल मेरे मैं कह सकता हूँ कि पेट ही नहीं भरा है, परंतु दिल भरने का जो स्वाद आता है वो आज स्वाद यहाँ पर मिला है, और पंजाब के पिंड का खाना यहाँ रंग पंजाब में मुझे मिला है, तो मैं बहुत आभारी हूँ रंग पंजाब का। सर, 2024 के विधानसभा जो लोकसभा इलेक्शंस भी है, क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा से अकाली दल के साथ गठजोड़ करेगी? देखिए, हमने जिस गठबंधन को, जिस रिश्ते को तोड़ा नहीं, उसे जोड़ने की भूमिका यदि हम नहीं बोल सकते, जिन्होंने छोड़ा है ये उनको तय करना है। हाँ, पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देश के लोगों ने अगर आज भी आप देखें तो निर्णय कर लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8.5-9 वर्षों में देश को प्रगति के पथ पर लाने का काम किया है, और उन्होंने जिस प्रकार से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक छवि को और भी मजबूत किया है, तो आज देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। अगर अकाली दल चाहेगा तो गठजोड़ करेंगे? देखिए, अगर मेरी चाची की मूछ होती तो वो चाचा होते, तो अगर मगर के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और वैसे भी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका मुंडन मैं करता नहीं। पंजाब में जो विधानसभा चुनाव निकले हैं उसमें भी बीजेपी को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे की रणनीति? देखिए, इससे पहले बीजेपी ने हमेशा एक छोटे भाई की भूमिका निभाते हुए अकाली दल के साथ गठबंधन किया था। विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ी जहाँ पर पहले उसने कभी चुनाव लड़ा भी नहीं था। तो आज पंजाब में अगर किसी का सबसे तेज़ी से विस्तार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। पंजाब के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये वो कौम है पंजाबियों की जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर करती है, और निश्चित रूप से जो पार्टी राष्ट्रहित में लगातार काम करती है, पंजाब का समाज हमेशा ऐसी पार्टियों को मजबूत करता रहेगा, आगे भी करेगा।